हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वक्त हूँ आराध में। जैसा कि लास्ट टू वीडियोस, तीन वीडियो अब मैंने बनाया इसके ऊपर, और डिटेल में मैंने आपको समझाया कि एक्चुअली ज़मीनी हकीकत क्या है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो इंडियन कम्युनिटी है हमारी, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। और जब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हो ना, तो कई लाइफ में जब कोई मसले होते हैं तो आसपास में, जैसे जिस घर में मैं हूँ यहाँ पे, तो काफ़ी ग्रुप के लोग हैं। और यहाँ पे जो कैमरामैन पकड़ा हुआ हमारा गौरी साहब, इनको भी नहीं पता था कि इतने इंडियन लोग यहाँ पे रहते हैं। बेसिकली ही वॉज नॉट अवेयर दैट नेपाली श्रीलंकन ज़्यादा, बट इंडियन कम्युनिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। बट ये होता है कि जब आप मिलते नहीं हैं, गैदरिंग नहीं करते, कम्युनिटी नहीं बनाते, एक दूसरे को कभी हाई हेलो नहीं करते, मालूम नहीं। तो आज वैसा ही एक कोशिश के साथ आया हूँ लोगों से मिलने के लिए, ज़मीनी हकीकत जानने के लिए दोस्तों। तो इस वक्त हूँ मैं आराध में दोस्तों। आज मेरा पहला दिन है और काफ़ी लोगों से मिला हूँ मैं। आपने देखा, काफ़ी वीडियोस भी मैंने बनाए। तो हमारे एक अमित से मिलेंगे। सबसे पहली बात तो आपको थैंक यू बोलना का एक हक बनता है, क्योंकि अमित एक पहला ऐसा बंदा है रोमानिया में। मैं जब रोमानिया प्लान किया था ट्रेवल करने का, तो मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा था। एजेंसी तो काफ़ी थी जो बाद में स्कैमर निकली, लेकिन ये बंदा ऐसा था जिसने मुझे बोला, मलिक भाई आई एम इन रोमानिया, लेट्स मीट अस। सो अरात की जो दूरी है बुकारेस्ट से, काफ़ी लंबा है फ्लाइट से, 1 घंटा, और ट्रेन से मुझे 12 घंटा लगा, फिर भी मैं इससे मिलने आया। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट ये था कि इसने बोला मलिक भाई मैं मिलूंगा और मेरी कम्युनिटी के लोग भी मिलेंगे जो हमारे साथ में। तो अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लाइट जल रहा ना, बस मेरा भी चल रहा दिखना चाहिए, क्योंकि साउंड बड़ा क्लियर। दोस्तों, हमारे पास व्यूअर्स काफ़ी कंप्लेंट करते हैं। तो अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना टाइम दिया। और एक चीज़ जानना चाहेंगे अमित, कि कितना साल हो गया आपको यहाँ पे, आप किस तरह से आए, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, कितने लोग गैदरिंग यहाँ पे आपके साथ है? बहुत सारी चीज़ें, आंसर, क्वेश्चन, लंबी वीडियो बनने वाली है, और आपके सारे दोस्तों के भी एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे बाद में वीडियो को पार्ट टू करके। तो बताइए अपने थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में, कहाँ से आए, कैसे आए आप यहाँ पे? पहले तो मैं सूरत का हूँ, और हम लोग मतलब यहाँ मुझे 4 साल हो गए, 4.5 साल हो गए यहाँ पे आते हुए रोमानिया में। 4.5 साल, हाँ, ठीक ठाक है यहाँ पे, मतलब अच्छा है। हम लोग को यहाँ पे जम रहा है, तो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप जब 4.5 साल पहले आए थे, हाँ, तो लगभग अभी की सैलरी में क्या बोल सकते हैं, 100% का डिफरेंस है? हाँ, डिफरेंस है 100% का। हाँ, जैसे अगर तभी 100 था तो अभी 400 है, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, ग्रोथ होता है उतना, ग्रोथ मतलब हर साल होता रहता है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है, वो करते हैं या नहीं उनके ऊपर डिपेंड है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड ग्रोथ होता है। हाँ, तो मुझे बताया कि जब 4 साल पहले आप आए थे, तो पहले रोमानिया के बारे में आपको बताया किसने था कि रोमानिया भी एक कंट्री है, जाना है? मैं तो, मुझे एक मेरे दोस्त ने मतलब रेफरेंस दिया था कि आप यहाँ पे जाओ, इंटरव्यू दे दो वहाँ पे। हाँ, तो ऐसे गया था इंटरव्यू देने, तो हो गया सिलेक्शन। इट इज एजेंसी, और हाँ, एजेंसी थी। हाँ, अच्छी एजेंसी थी। हाँ, सूरत में। हाँ, तो एक बात जानना चाहेंगे कि अभी का जो मार्केट की वैल्यू, जो मुझे मालूम पड़ी है, कोई लोग 3.5-4 ले भी ले, तब की वैल्यू लगभग कितना हुआ करती थी उस समय में? अभी रोमानिया चार्जेस, जैसे अभी रोमानिया का लोग मार्केट जो वैल्यू है, कोई 3 भी लेता है, कोई 4 भी लेता है, कोई 4.5 भी लेता है, कोई साढ़े, तभी क्या रेट था? तभी मेरा था 1 लाख जैसा था रेट बस। हाँ, एक टिकट के साथ। हाँ, टिकट के साथ। देखो भाई, 1 लाख में आदमी रोमानिया पहुंचता था। और एक बात बताइए, जब आप जिस एजेंसी के पास, आपको भरोसा था कि जेन्युइन एजेंसी है? हाँ, ऐसे ही भरोसा था, मतलब इतना भी कंफर्म नहीं था। नहीं था, पहली बार ट्राई कर रहे हैं। हाँ, तो डर तो रहेगा ना। एक ही कंट्री पहली बार आपने ट्राई किया था? हाँ, फर्स्ट टाइम। नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम। तो आपने कौन सा एजुकेशन था, या आपका कौन सा भी काम करते हैं अभी, आप क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, रिपेयर का काम है, मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, तो उसमें यूनिट पे आप काम करते हैं? हाँ। ओके, तो ड्यूटी आवर्स क्या रहती है लगभग यहाँ पे? ड्यूटी यहाँ पे रहती है 8 घंटा नॉर्मल है। हाँ, और 4 घंटा ओवर टाइम रहता है डेली रहता है। हाँ, जब से जॉइन की तब से हमेशा। हाँ, कभी कभार नहीं रहता, लेकिन ऐसा नॉर्मल रहता है। सैटरडे संडे छुट्टी? नहीं, सैटरडे संडे भी वर्क रहता है, 8 घंटा पेबल है मनी। उसके अलावा कंपनी क्या बेनिफिट आपको देती है? कंपनी रहने का दे रही है, एकोमोडेशन दे रही है, अच्छा है। हाँ, और खाने का भी पैसा दे रही है। खाने का पैसा देती है। वो जो कार्ड सिस्टम है यहाँ पे, मैंने हाँ, सुना वो कार्ड वाला सिस्टम है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, और यूट्यूबर्स काफी इंस्टाग्रामर लोग हैं, कि यहाँ पे शुरुआत में आप 2-3 लाख की सैलरी कमा सकते हो, इस पे थोड़ी रोशनी डालना चाहेंगे आपका? नहीं, मतलब यहाँ पे नॉर्मल हमारा $500 था स्टार्टिंग में जब आए थे तब। जी, और इससे ज्यादा सैलरी, मतलब यहाँ पे नॉर्मल उतनी ही सैलरी है। अच्छा, स्टार्टिंग। हाँ, नहीं, ये 3-4 लाख की सैलरी पॉसिबल है क्या? नहीं, जो नहीं, बोलते हैं वीडियो में नहीं, नहीं, नहीं ना, हकीकत की दुनिया से अलग है। हाँ, तो एक आम बंदा, एक आज का बंदा अगर आना चाहेगा, जैसे कि नया कोई बंदा है जिसका गल्फ में एक्सपीरियंस है इंडिया में, तो उसको कितनी सैलरी मिनिमम यहाँ पे मिलती है शुरुआत में? 500 या 600 USD मिल सकती है। यूरो की USD? USD, वो सेम ही है, यूरो सेम ही है, दोनों सेम ही है लगभग। नहीं, थोड़ा 1 रुपए का फर्क है, उतना ही होता है लगभग, उतना हो जाता है। उसके अलावा कंपनी खाना और रहने का देती है? हाँ,
तो मुझे बात बताएं, इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा आपको कि जब रहने और खाना का देते हो तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड होता है, सब कुछ इंक्लूड होता है? नहीं, वो कंपनी मतलब हमको 100 यूरो देती है एक बंदे का रहने के लिए। ओके, हाँ, बस अगर उसके ऊपर हो तो वो आपको अपने जेब से देना पड़ेगा पैसा। तो उसमें एक अनुमान मैं जानना चाहूंगा कि एक रूम में अगर 6 लोग हैं तो लाइट का बिल मंथली कितना आता होगा? अनुमान कितना आता होगा लाइट का बिल? नॉर्मल यहाँ के करेंसी के हिसाब से 100 ले जैसा आता है, मतलब 25 यूरो के आसपास। हाँ, है ना। उसके अलावा बेसिक चीजें मैं जानना चाहूंगा, तो इंटरनेट का जो GB होता है, जो डेटा आप लेते हैं, कि वाईफाई से काम चल जाता है यहाँ? कोई अपार्टमेंट में वाईफाई रहता है, किसी में नहीं रहता है तो GB लेना होता है। तो GB का कितना, डेटा का कितना, कुछ है आइडिया इसके बारे में? 35-40 ले है, मतलब लगभग 10 यूरो के आसपास। हाँ, है ना। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता और कोई खर्चा है। क्लिनिक का पूरा खर्चा कंपनी उठाती है, हाउस हेल्थ का? हाँ, वो भी हमारा एक कार्ड बना है। हाँ, अच्छा, एनुअल लीव का कोई सिस्टम है यहाँ पे? हाँ, साल में आपको एनुअल लीव मिल जाती है, 1 महीने, तो 2 महीने। क्या देती कंपनी आपको? मतलब जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपको इमरजेंसी में जाना तो भी आप जा सकते हो। हाँ, लेकिन हाँ, आपका टिकट निकाल के? हाँ, आपका एनुअल लीव जब होता है तो वो भी अपना टिकट इसमें हमारा इंक्लूड है। अच्छा, मतलब अगर दो एक साल कहीं भी जाना हो, इंडिया जाना हो, टिकट मतलब हमारे पैसों से रहेगा। लेकिन सैलरी पे दे, एक महीने का सैलरी? सैलरी मतलब आपकी लीव रहेगी ना, उसमें से वो मतलब रिकवर कर देंगे। रिकवर कर देंगे, मतलब आपको टिकट की बेनिफिट नहीं देंगे? नहीं, है ना, वो नहीं है बेनिफिट। ओके, इसके अलावा जो हमारे इंडिया से, पाकिस्तान से और बहुत सारी जगह से आपको देख रहे होंगे इस समय, और बहुत सारे क्वेश्चन आए, क्या एक एक्स्ट्रा टिप देना चाहेंगे हमारे इंडियन लोगों को, खासकर किस तरह से आना चाहिए, क्या हमको एक स्टेप लेना चाहिए, किस चीज़ों से स्कैम से बच सकते हैं, थोड़ा सा क्या रोशनी डालना चाहेंगे? मतलब यहाँ पे अगर आओ तो पहले मतलब सोच समझ के आओगे कौन कैसा क्या है बंदा, मतलब वो जेन्युइन है कि नहीं है। हाँ, उसके ऊपर ऐसे डायरेक्ट भरोसा मत करो, भरोसा मत करो। तो क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने देखा था, जब मैं लैंड किया था तो उस बंदे के साथ ऐसा होता कि एजेंसी के थ्रू आया था, उसका एजेंसी ने कार्ड कैंसिल कर दिया, फिर उसका कार्ड बन नहीं पाया, इस तरह का भी काफ़ी स्कैम सुना है मैंने। वो डिपेंड, अब उसका हमको एक्सपेंस भी हुआ नहीं तो हम वो नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। तो मतलब आपको लगभग 4.5 साल और यू आर हैप्पी विद द कंट्री, कैसे लोग हैं यहाँ के? अच्छे लोग हमारे साथ जो भी मिले, मतलब सब अच्छे हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, जेन्युइन है सब। तो लैंग्वेज का जो बैरियर यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, तो उसको आपने कुछ लैंग्वेज कवर किया है यहाँ पे अभी तक? लैंग्वेज थोड़ा कुछ आता है, नॉर्मल नॉर्मल बात कर लेते हैं, तो मतलब लोगों को थोड़ा लैंग्वेज में फोकस करना चाहिए। हाँ, है ना। और एक चीज और अमित मैं जानना चाहूंगा कि काफी लोग मुझे और भी मिले थे बीच में फ्लाइट में भी, ये जो लोग आते हैं और ये जो भागते हैं सर्बिया मतलब हंगरी की तरफ, या जो बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं, उनको कुछ आप एक एक मैसेज देना चाहेंगे? हमने तो कभी ट्राई किया नहीं है अभी तक, 4 साल हो गए, हमने कभी ट्राई कभी नहीं किया। खुश हैं? खुश हैं हम, है ना। हाँ, आप भी तो हंगरी क्रॉस कर सकते थे ना? नहीं करे, हमको जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं, खुश है एकदम, मस्त कंट्री है। तो अच्छे से रह रहे हैं और क्या। ये लाइव एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि 4.5 साल हो गए हैं, ये चाहते हैं तो इन 450 में दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, मैं रात में हूँ मैं, और यहाँ से लगभग जो मुझे लगता है 15 किलोमीटर की दूरी पे बॉर्डर है, सही है? हाँ, 15 किलोमीटर की बॉर्डर है। आदमी 4.5 साल में अगर एक बार भी कोशिश करता, या 2-3 बार भी, 10 बार भी, 100 बार भी, तो शायद आज मैं क्रॉस हो गया होता। लेकिन इसे मालूम था कि इल्लीगल तरीके से किसी भी कंट्री में जाना एक ऐसा है जैसे कि अपने आप को जंग में शामिल करवाना, और ऐसे जंग में जहाँ पे दोनों तरफ से बारूद बंदूकें चल रही है और बीच में आप खड़े होना चाहते हो। तो इस तरह के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाथ जोड़ के, चाहे वो पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, इंडियन हो, श्रीलंकन हो, प्लीज़ बॉर्डर क्रॉसिंग मत कीजिए। ये एक बहुत डेंजर, जिसको हम डोंकी का नाम देते हैं, कई फेस वैल्यू मैंने लोगों का देखा है, वो मत कीजिए। हमारे अमित जैसे लोग लाइव एग्जाम्पल है आपके, कि यहाँ पे 4.5 साल से काम कर रहे हैं, खुश हैं, साल में छुट्टी पे जाते हैं, अपने घर परिवार से मिलते हैं, वापस देश में आते हैं, कि इसी भी एक उम्मीद है ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जिनको लगता है कि रोमानिया में रहते हुए सिर्फ सेंजन घुचा जाए। मेरे एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ, मैंने कई लोगों को माल्टा में देखा है जो 20-20 साल से रह रहे हैं, पुर्तगाल में 10-10 साल से रह रहे हैं, वो एक देश से दूसरे देश घूमने भी नहीं जाते। तो सेंजन जाके मतलब क्या है? सेंजन में तब जाया जाए जब आप एक टूर के ऑपरेटर हो, या आपको घूमने का शौक हो, वहां पर रह के भी 10 साल के बाद भी कोई पेरिस नहीं देखा। तो मेरे हिसाब से कि अगर एक देश में बैठे हो तो इनफ है। तो मुझे लगता है ये वीडियो उन लोगों में डेडिकेशन करना चाहता और सुना के, खासकर पाकिस्तानी बांग्लादेशी भाइयों को स्पेशल, कि यार आपके कुछ गलतियों के वजह से आने वाली कौम, आने वाला जो जनरेशन है उसको गंदा कर रहे हो। आप यहाँ पे लैंड होके हंगरी भागते हो और आने वाला जनरेशन आपको फेस करता है। ये कुछ इंडियन इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं आजकल, खासकर पंजाबी लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो प्लान बना के आ रहे हो
कि रोमानिया में घुसूंगा और हंगरी चले जाऊंगा। आप आने वाले जनरेशन को गंदा कर रहे हो, आने वाले जनरेशन को प्रॉब्लम में डाल रहे हो, आप उनको सपने दिखा रहे हो कि गलत सही तरीके से भी आप यूरोप जा सकते हो। उसका तरीका मेरे पास है, उसके कई वीडियोज़ भी यूट्यूबर्स अच्छे लोग बनाते हैं। आज के कुछ यूट्यूबर जो पैदा हुए आजकल के, जो छोटे छोटे यूट्यूबर पैदा हो के इस तरह के वीडियो देते हैं 4 लाख 5 लाख का सैलरी, बहुत गलत है। उसको अलर्ट हो जाना चाहिए कि आज नहीं कल आपको अल्लाह ताला जरूर देखेगा, भगवान जरूर देखेगा, उसकी सजा आपको इसी दुनिया में मिलेगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा। जो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर। दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम की आईडी तबरेज़ मलिक आईडी ऑफिशियल है, और मेरा जो फेसबुक की आईडी है रियल तबरेज़ मलिक, उसको जाके फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।